नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। आपके ही प्यार से होकर यहाँ तक आई हूँ और चाहती हूँ आप अपना प्यार से हमेशा मेरे साथ रखें। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सिंपल सा रेसिपी लाई हूँ और ये है पराठा। जो घी से बचा हुआ खुरचन होता है उससे बना है ये पराठा। ये मीठे पराठे, इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपके इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट भर के डालिए, बहुत ही हेल्दी है सर्दियों के लिए। तो ये है घी का बचा हुआ खुरचन, ये मैंने 5 से 6 चम्मच ले लिया है। और साथ में गूंधा हुआ आटा लूँगी, जो नॉर्मल आटा होता है रोटी के लिए हम बनाते हैं पराठे के लिए, वही चाहिए हमें। तो ये मैंने गूंद लिया, इसमें कोई नमक चीनी कुछ नहीं डाला, बस सिंपल गूंद के रख दिया है। तो 5 से 6 चम्मच खुरचन है तो इसमें डालेंगे। ये ड्राई कोकोनट है, आप घर में घिस के भी ले सकते हैं ग्रेट करके। तो ये मेरा बाजार का है। साथ में गुड़ का बुरादा है, आप इसकी जगह चीनी ले सकते हैं। तिल है, भुना हुआ तिल है, और अखरोट है, किशमिश है और बादाम है। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रही थी कि तिल भर के डालिए, सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है तिल, हमारे शरीर को गर्म रखता है। और ड्राई फ्रूट तो अपने इच्छा अनुसार जो भी आप रखना चाहते हैं। मैंने ये 3 ड्राई फ्रूट लिए और चाहिए घी पकाने के लिए पराठे को, तो मैंने ये 3 लिए। आप किसकी जगह चिरौंजी, खरबूज, तरबूज का बीज, खसखस, काजू, मुनक्का, ये सब छुहाड़े ले सकते हैं। तो ये चलिए 6 चम्मच के लगभग ये है, यानी मेरी 6 से 7 रोटी इसमें बन जाएगी। तो इसमें डालते हैं हम 4 चम्मच कोकोनट पाउडर। आप कोकोनट पाउडर की जगह कोकोनट को बारीक काट के भी ले सकते हैं, दरदरा पीस के ले सकते हैं, ग्रेट करके ले सकते हैं, ताजे नारियल भी ले सकते हैं, उसका और ज़्यादा स्वाद आएगा। और 5 से 6 चम्मच में डालूंगी तिल। तिल का एक अपना अच्छा सा स्वाद होता है, साथ में ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है। और तिल के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इन सर्दियों में हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको अच्छी तरह गुड़ भी डाल देंगे। और याद रखिए दोस्तों, मीठा आप अपने अनुसार रखें, आप जितना मीठा खाते उतना रखें। मैं थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैं कम मीठा डाल रही हूँ। और गुड़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि कहते हैं कि गुड़ का बेनिफिट चीनी से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा करके। खीर में भी मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही आसान होता है, खीर बनाने के बाद मिला देती हूँ, उसकी भी रेसिपी लाऊंगी मैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह मिला देंगे। और जो खुरचन है उसमें घी है तो वो इन सबको बाइंडिंग कर देगा, भुरभुरा सा नहीं रहने देगा। तो मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इधर आटे की लोई बनाना शुरू करती हूँ। तो ये मैं लोई बना लेती हूँ, और जैसे आलू और गोभी मूली के पराठे बनाती हूँ मैं, उसी तरह इसकी एक कटोरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत आसान है, ये इस तरीके से मैं एक कटोरी बना लेती हूँ। और अब मैं इसमें भरावन भरूँगी। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कभी मेरी बेटी कभी मेरी बहू साथ देती हैं। तो आज बेटी तो ससुराल गई हैं, तो ये मेरी बहू है जो मेरे साथ है। तो इस तरीके से दबाते हुए, क्योंकि जो घी का खुरचन है वो हमारे मिश्रण को नीचे की तरफ दबा देगा मिक्स करके। तो ये भरते हुए, इसको दबाते हुए हम इसका मुंह बंद करेंगे। तो बहू हम मेरी हेल्प कर रही है, तो मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और इतनी रेसिपी आप लोगों के पास नहीं लाती। तो इसी तरह मैं और दूसरा भी भर लेती हूँ, उसी तरह दबाते हुए इसको बंद करेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें अपने आप नहीं आती है, हम उसको किसी से सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तब जाके आती है। ये देखिए, ये जो फालतू आटा, या तो हम इसको हटा देते हैं या इसी के साथ हम दबा देते हैं। तो चलिए अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं। इधर बिल रहा है तब तक मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये बिल गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस हाँ ठीक ठीक इसको बनाएंगे। और अगर फूट जाता है आपका पराठा तो डरे ना। तो चलिए एक तरफ से सेक लेते हैं इसको, सीख गया है। अब हम इसे पलट देते हैं, बीच में से देखते रहेंगे और हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। तो
ये देखिए इसे हिला दिया, अभी नहीं हुआ है छोड़ देते हैं, फिर से देखते हैं। तो ये हो गया, तो अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। दोस्तों पराठा जरूर इस गुड़ का और इस मेवा का बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं, दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं घी। आप कोई कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, मक्खन यूज कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए, और अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप बिना घी मक्खन के भी इसे खा सकते हैं, मीठा है बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ चलिए दोनों तरफ से सेक लेते हैं, ये हो गया। और इसके साथ ही दूसरे और पराठे सेक लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सभी पराठों को सेक कर। तो मैं इसको काटूंगी और काट के दिखाऊंगी। देखिए भरावन कितना अच्छा भर गया है और गिर भी नहीं रहा, क्योंकि गुड़ और जो घी का बूरा है, खुरचन है, उसने इनको बाइंडिंग कर ली है। आपका भी कोई तरीका है घी के खुरचन से कोई डिश बनाने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके नाम के साथ उस रेसिपी को बना के दिखाऊंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।